हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है कि नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो भी अपने फ़ोन में, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बना रहिएगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में जो कुछ भी अपडेट कराए हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम है, फादर्स नेम है, या आपका एड्रेस है, जो भी अपना आधार कार्ड आप अपडेट कराए हैं, जो आप एडिट कराए हैं, और आपका जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करने में 3-4 दिन समय लगता है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया, अगर आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, अगर आप जाते हैं साइबर कैफ में डाउनलोड कराने, तो वहाँ सबको 500 रुपये देना पड़ता है डाउनलोड करने के लिए। बट आज के इस वीडियो देख लेने के बाद आप साइबर कैफ में कभी भी पैसा ना दीजिएगा, ना ही आपको वहाँ जाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप अपने फ़ोन में ऑनलाइन आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल मत घबराइए, इस वीडियो आपको सिखाने वाला हूँ। तो सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके साथ में ऑल पे जरूर सेलेक्ट करें, ताकि समय कोई वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो सो गाइस, चलिए बिना कोई देर के वीडियो करता हूँ स्टार्ट। फ्रेंड्स, आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने से पहले आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है, यानी आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल फ़ोन आपके पास, यानी वो सिम नंबर जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP जाएगा और उस OTP का आवश्यकता पड़ेगा आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने में। तो चलिए आगे वीडियो में बताता हूँ कहाँ आपको OTP का आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपना ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है आपको अपने फ़ोन का गूगल या क्रोम ब्राउजर को। तो चलिए हम यहाँ पर अपना गूगल को ओपन करते हैं। देखिए, ओपन कर लिया यहाँ पर। ओपन करने के बाद आ जाना आपको सर्च बार में, और यहाँ पर आपको सर्च करना है UDAI, उदाई आपको सर्च टाइप करके यहाँ से सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे उदाई लिख करके सर्च कर दीजिएगा, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो देखिए, जो सबसे ऊपर शो कर रहा है UIDAI, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश मान करते हैं इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, हिंदी मान करते आप हिंदी को, अपने मनचाहा लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब चलिए हम प्रैक्टिस कर देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए अपडेट आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, गेट आधार कार्ड मिल जाएगा, और आधार का सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, आपके सामने 3 ऑप्शन आ गया है, बट यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट आपको डाउनलोड आधार कार्ड का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, वीडियो थोड़ा भी स्किप आपको नहीं करना है, ध्यान से पूरा एक एक करके सेटिंग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको अपडेट आधार कार्ड पर क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, गेट आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। जी सब, उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आप अगला स्टेप क्या खुल रहा है देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जी सब, गेट आधार पे क्लिक कीजिएगा, फिर इस तक इंटरफेस आ गया। देखिए, इसमें आ रहा है बुक एंड अपॉइंटमेंट और चेक स्टेटस, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। देखिए, यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउनलोड आधार कार्ड का ऑप्शन। देखिए, सेकेंड नंबर में शो कर रहा है, थर्ड नंबर में, और यहाँ पे डाउनलोड आधार कार्ड आपको इसी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइव आधार कार्ड डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे आप डाउनलोड आधार पे क्लिक कीजिए, फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो यहाँ से आप लॉग इन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, हम लॉग इन पर क्लिक कर दिए। देखिए, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको इंटर आधार कार्ड, यानी अपने आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है। चलिए, हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर है उसको टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है AGIO, इसको आप ये आपको डाल देना है। चलिए, हम डाल लेते हैं, स्मॉल ए है, फिर एट है, फिर जी है, फिर आई है, फिर ओ है। देखिए, लिख करके यहाँ से क्या करना है आपको, सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे OTP जाएगा यहीं से, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
सॉरी देखिए यहाँ पे कैप्चा जो है गलत हो गया, आपको कैप्चा देखिए गलत हो गया, फिर से मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो फिर यहाँ से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा को ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कैप्चा कोड जो है रिफ्रेश होकर के आ गया, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलिए देखिए देखिए फिर आपको कैप्चा कोड डाल देने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए ओटीपी जाने से यहाँ पे 30 सेकंड देगा आपको, यहाँ पे 60 सेकंड मिलेगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ सबको लॉग इन कर देना है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा अपने फ़ोन में, प्रोसेसिंग में है, आपको यहाँ पे वेट करना है। देखिए जो है मेरा आधार कार्ड है यहाँ पे आ गया, सब नाम है वो यहाँ पे शो कर गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, अब जो मेरा आधार कार्ड है डाउनलोड हो गया है यहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउनलोड मेरा हुआ है कि ना, मैं आपको देखिए अब प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप जैसे एक अपना आधार कार्ड ओपन करके देखेंगे अपने फाइल से, तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे आप हो गए कन्फ्यूज, हम पासवर्ड लगाए नहीं है बट यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो हम कैसा पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड यहाँ पे फिल करें। तो आपको यहाँ पे इसी बात का खास करके ध्यान रखना है। देखिए यहाँ क्या ध्यान रखना, आपको पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, आपको पासवर्ड जिसे आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसे आपका जो नेम है, जिसे मेरा नाम आशीष है, तो हम आशीष के शुरुआती 4 लेटर आपको टाइप करना है। जैसे मेरा आशीष है तो शुरुआत का है ASHI, 4 अंक हो गया, 4 लेटर हो गया। अब चारों को हमको बड़ा बड़ा लेटर में, जैसे बड़ा ए, बड़ा एस, बड़ा एच, बड़ा आई, ठीक है, बड़ा ए, बड़ा एस, बड़ा एच, बड़ा आई हो गया। 4 लेटर टाइप करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। चलिए डेट ऑफ बर्थ को डाल लेते हैं। ये सब 4 अंक बड़ा अक्षर में डालिएगा अपना नाम शुरुआती का, और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा अपना, इंटर पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा। देखिए जो आपका आधार कार्ड है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरह से आकर के आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, अगर आपको डाउनलोड ऑप्शन नहीं होता है, तो कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर करता हूँ खत्म, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।